नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चल रहे केस को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की आजम खान की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। आपको बताते चलें कि अपनी इस याचिका में आजम खान ने कहा था कि यूपी में उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में सर्वोच्च अदालत के दखल की कोई भी वजह नहीं दिखाई देती है, ऐसे में आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। वहीं आपको बता दें, आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुनवाई से इनकार के बाद अब दोनों को यूपी हाईकोर्ट का रुख करना होगा। आजम खान की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इससे पहले नफरती भाषण देने के आरोप में सपा नेता आजम खान के खिलाफ सहजाद नगर थाने में दर्ज मुकदमे की सुनवाई मंगलवार को कोर्ट में हुई थी। उस मुकदमे के गवाह दरोगा अनुराग चौधरी ने अपने बयान दर्ज कराए थे। उनकी गवाही पूरे होने के बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। इस मामले में आरोप था कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले की रिपोर्ट फैजल खान लाला ने शहर कोतवाली में दर्ज कराई थी। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहे टीवी न्यूज में।